आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। जनपद संभल की चंदौसी में हिंदू जागरण मंच ने वीर हकीकत राय के बलिदान दिवस पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। जनपद संभल की चंदौसी में हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के तत्वाधान में स्टेशन रोड स्थित भगत सिंह चौक पर वीर हकीकत राय के चित्र पर सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर उनका बलिदान दिवस मनाया। जिला विरचित मुकेश कुमार के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। जागरण मंच ने वीर हकीकत राय का बलिदान दिवस मनाया है, तो क्या कहना चाहेंगे? वीर हकीकत राय एक हमारे सनातन धर्म के वो योद्धा थे जिन्होंने बचपन में ही 5 वर्ष की आयु में संस्कृत एवं हिंदी के काफ़ी सारे ज्ञान प्राप्त किए एवं 10 वर्ष की आयु में उन्होंने मस्जिद में उर्दू और फारसी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मौलवी से संपर्क करा और उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ के जो छात्र हैं वो हमारे देवी देवताओं का अपमान करते थे, उन्हें उसका प्रतिकार पूर्ण रूप से किया। लेकिन मौलवी ने उन्हें ये कह के छोड़ा कि भाई या तो तुम इस्लाम कबूल करो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, तो उन्होंने फांसी पे लटकना मंजूर करा, बशर्ते उन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागा। तो उन्होंने हमारे धर्म के लिए काफ़ी कुछ कहा, काफ़ी कुछ किया और एक मिसाल पेश करी कि सनातन धर्म में हम कभी भी इस्लाम को कबूल नहीं कर सकते, चाहे हमें अपनी जान से क्यों ना जाना पड़े। भारत माता की जय। भगत सिंह चौक पर वीर हकीकत राय का बलिदान दिवस मनाया, क्या कहेंगे सर? आज हिंदू जागरण मंच जनपद संभल नगर चंदौसी की ओर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगत सिंह चौक स्थित बलिदान दिवस वीर हकीकत राय जी का बनाया गया है, जिनका जन्म सियालकोट में 1719 में हुआ था और 10 वर्ष की आयु में वह मस्जिद में फारसी पढ़ने के लिए गए थे और वहाँ पर हमारे हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द कहा करते थे बच्चे, और इस बात का उन्होंने विरोध किया और अपने प्राण गंवा दिए।